आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद थियरीज़ बॉन्डिंग थियरीज़ इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है इस चीज़ को जो थियरीज एक्सप्लेन करती है वो हमें सीखनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से कई तरह से के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली थेरी के साथ जिसका नाम है वर्नर्स थियरी देखें वर्नर्स कॉर्डिनेशन थियरी किसी भी शन कंपाउंड में दो तरह की तो वर्नर ने अपने के जिसे आप थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हो वर्नर ने कहा कि किसी भी कॉर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी दो तरह की वैलेंसी होती है एक होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है सब कुछ लिखवा मिल जाएगा आपको तो प्राइमरी वैलेंसी और जो दूसरी होती है वो होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी ठीक है था? तो दो तरह की वैलेंसी होती है किसी भी रिप्रेजेंट वैलेंसी। वैलेंसी करती है जो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है और सेकेंडरी वैलेंसी उसके कॉर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है को, और ये भी हमने सीख लिया तो दोनों ही हमने बेसिकली सीख लिए हैं बस अब आपको इसको इस नाम से पढ़ना है प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी वैलेंसी जनरली नेगेटिवली चार्ज थ्रू सेटिस्फाई होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज किसी भी तरह के लिगेंड से क्या हो सकती है सेटिस्फाई हो सकती तो कुछ है कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिन जिनपे आपको ध्यान देना है देखिए प्राइमरी वैलेंसी टू द दिन स्टेट ऑफ द मेटल मतलब यही ब्रेक होकर मना होता है ना एक आयनाइशन स्फीयर होता है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जैसे मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिखूं सीओ एन एच थ्री होल सिक्स सी एल थ्री तो देखो कोबाल्ट पे पे चार्ज कितना है प्लस थ्री ठीक है प्लस थ्री है तो ये देखो जो तीन क्लोरीन है ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर में रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये तो तो न्यूट्रल है इस पे चार्ज होता कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो इन तीन क्लोरीन की वजह से आया और यही इसकी आयनाइजेबल वैलेंसी है जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होकर ये थ्री सी एल माइनस प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो ये आपके पास आयनाइजेबल वैलेंसी होती है और ये किसको रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर को ठीक है तीसरी चीज इट इज इट्स अटैचमेंट विद सी एम इज रीप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन अगर आपको कभी कॉम्प्लेक्स में दिखाना है डायग्राम बनाकर तो आप प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो ठीक है बता दूंगा मैं आपको एक बार पॉइंट्स पढ़ लो आप और प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल नेचर क्योंकि आयनाइजेबल वैलेंसी है आयनाइज हो जाता है मतलब आयंस का अट्रैक्शन फोर्स होगा आयनिक बॉन्ड की तरह तो ये जो आपकी वैलेंसी होती है ये कैसी होती है नॉन डायरेक्शनल होती है सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो देखें ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी के कुछ पॉइंट्स हैं

सीओ एन एच थ्री होल सिक्स सी एल थ्री तो ध्यान से देखो यहां पर अमोनिया जो है यहां पर जो अमोनिया है वो इसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और अगर आप यहां पर क्लोरीन की बात करो तो जो क्लोरीन है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है अब ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेगा वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूं बट देखो अगर आपको इस कंपाउंड को वर्नर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है तो देखो ये कोबाल्ट है सॉरी कोबाल्टी अमोनिया है ये एक ऑक्टा हेड्रल में जाएंगे तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं सेकेंडरी वैलेंसीज वो तो कॉर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्टा स्ट्रक्चर बनाएगी क्या बनाएगी ऑक्टा स्ट्रक्चर अभी आप इसे और डिटेल में पढ़ोगे इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल छे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे तो यह आपकी सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तो हमने बना दिया है है आप इनको सिंपल सॉलिड से रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक लाइक दिस ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज है कितनी है छह सेकेंडरी वैलेंसीज है प्राइमरी वैलेंसी को आप ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो एक सीएल दूसरा सीएल तो ये तीन प्राइमरी वैलेंसी है और छह आपके पास क्या है सेकंडरी वैलेंसी अब कभी-कभी क्या होता है किसी किसी कॉम्प्लेक्स में मान लो कॉम्प्लेक्स होता है ऐसा CoNH3 होल 5 Cl एंड Cl2 अब आप यहां पर देखो अच्छा यहां देखो ये जब आयनाइज होगा तो ये 3 Cl- प्रोड्यूस करेगा दिख रहा है आपको लेकिन जब आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा हाँ इसके पास आयनाइजेबल वैलेंसी सिर्फ दो ही है ये दो Cl- प्रोड्यूस करेगा ठीक है लेकिन ये देखो ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी आ रहा है इसके ऊपर प्लस थ्री आ रहा है अभी भी तो ये वाला जो क्लोरीन है ये क्लोरीन ये क्लोरीन इट सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज बोथ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तो अगर कोई लिगेंड दोनों वैलेंसी को सेटिसफाई कर रहा है तो उसके उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखना कोबाल्ट अब आपके पास पांच एन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें सॉलिड लाइन से दिखाएंगे लाइक दिस लेकिन एक क्लोरीन जो है वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और दो क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है बाई चांस आपसे कभी पूछ ले जो मेन चीज है वो आपको पहले से ही पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है सिर्फ वो आयनाइज होता है और इसी के ऊपर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं तो और कुछ नहीं है वर्नर्स कॉर्डिनेशन थ्योरी में आपको आइडिया होना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है किसको रिप्रेजेंट करती है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है और जो टेबल मैंने आपको दिखाई उस टेबल के ऊपर आप फोकस कर लें दैट इज मोर देन सफिशिएंट अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर सीबीएसई के अंदर पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से और कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं देखिए पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ वाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्शन विद एजी थ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिंपल सा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे तो आपको रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई सिंपल सी बात है एजी एनओ थ्री के साथ कौन प्रोड्यूस करेगा एजी एन ओ थ्री के साथ अगर आपको वाइट पीपीटी प्रोड्यूस करना है तो आपको सी एल माइनस आयस चाहिए ये रिएक्ट करके एजीसीएल का वाइट पीपीटी बना लेगा और साथ में क्या जनरेट कर देगा एनओ थ्री माइनस ठीक है एक सेकंड दे चलिए सॉरी कुछ इश्यू आ गया था तो देखिए मैं आपसे कह रहा था कि पीपीटी कब बनेगा जब सीएमए से कंबाइन होगा आप देखो इस कॉम्प्लेक्स को देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा और यही टूटकर क्या दे सकता है

और देखो ये ये देखो ये भी तीन सी एल माइनस देगा तो ये भी प्रोड्यूस कर सकता है तो ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं खैर आपको तो एक चॉइस वाला मिलेगा यहाँ गलती से दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो चिंता ना करें हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए ये देखो सी बी एस ई रोन नाइनटीन सिर्फ नाइनटीन ये और भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए फोकस करें क्या कह रहा है कॉर्डिनेशन कंपाउंड सीआरसीएल थ्री डॉट एच टू इज मिक्स विद एजी थ्री टू मोल एजीसीएल दो मोल आपने ये जो कंपाउंड लिया सी थ्री डॉट सिक्स एच टू और जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो आपको दो मोल एजीसीएल मिल रहा है दो मोल दो मोल कब मिल सकता है जब इस कंपाउंड से दो सीएल माइनस आ रहे इस कंपाउंड से दो सी एल माइनस कब आएंगे जब ऑब्वियसली दो CL बाहर ठीक है अब क्रोमियम यहां पर प्लस थ्री में है मैंने आपको सिखाया था कि प्लस थ्री स्टेट में ध्यान रखना प्लस थ्री स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है मैंने आपसे कहा था तो देखो यहां क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होना चाहिए ठीक है अब प्लस थ्री स्टेट है तो एक क्लोरीन अंदर होगा और पांच एच टू ओ जो है वो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेंगे और एक एच टू ओ इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में क्या होगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ऐसा नहीं कि छे के छे अंदर होंगे छूरेशन की फॉर्म में बाहर हो सकता है तो ये लैंग्वेज से आपको पता लग रहा है कि अगर दो प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब दो क्लोरीन स्फीयर के बाहर है एक क्लोरीन अंदर है तो आयनाइज होगा अब देखो आयनाइज होकर क्या बनाएगा सीआरएच होल फाइव सी एल टू प्लस प्लस टू सी एल

1 mole of compound it indicates it indicates that that the compound has the compound has 3 ionizable chlorine or chloride ions and पूरी चीज लिखो अच्छे से है न, जो अपने को समझ में आती है एंड सिंस कोबाल्ट इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स एंड

ठीक है यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है कई बार इसका नाम भी पूछ लेगा तो कई इसका नाम भी लिख सको नाम क्या बनेगा इसका एग्जा अमाइन एग्जा डबल एम आएगा अमाइन के लिए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तो ये इसकी आई यू पी सी देखो एट ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन है देखो सेम सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया था

एन एच थ्री होल फाइव सी एल सी एल टू और एक है सी सी आर एन एच थ्री ऑब्जेक्टिव फॉर्म में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सी एल बोलेगा इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो भाई देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिंपली डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे जहां नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा जहां नंबर ऑफ आयंस कम होंगे वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी कम तो देखो ये तीन और एक चार आयन्स प्रोड्यूस करेगा ये दो और एक तीन आयन्स प्रोड्यूस करेगा ये एक और एक दो आयन्स प्रोड्यूस करेगा तो आपको दिख रहा है ए की इलेक्ट्री सबसे ज्यादा होगी फिर बी की और फिर सी की ठीक है तो यह आपकी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इसका ध्यान रखें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं चलिए अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरी की तरफ जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है जो आपने पहले बॉन्डिंग में भी सुनी हुई है तो चलिए डिस्टर्बेंस uh, आ गया था एक्चुअली पावर का पावर कट हो गया था है ना तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसके अपने कुछ पॉस्टुलेट्स हैं हाइब्रेशन का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आता है तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहते हैं कि अगर सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड भाई आपने देखा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है और लिगेंड उसके साथ क्या बनाता है कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए सेंट्रल मेटल के पास तो क्या होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और जो लिगेंड है उसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इन दो ऑर्बिटल्स के आपस में क्या होती है ओवरलैपिंग होती है और उस ओवरलैपिंग के थ्रू यहां पर क्या होता है इन दोनों के बीच में एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपने कुछ अजम्पन है पॉस्टुलेट्स है जिनके ऊपर वो काम करती है तो फटाफट से अपने पढ़ लें याद रखने की जरूरत नहीं है बस देखते जाए मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल ये हम जानते ही हैं द मेटल आइटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कॉर्डिनेशन नंबर थ्रू हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो अगर कॉर्डिनेशन चार है तो वो चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा पांच है तो पांच करेगा छे है तो छे करेगा जब वो चार कॉर्डिनेशन नंबर फोर होता है तो इसमें दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं एक एसपी थ्री और एक डी एसपी टू कब क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे इसी तरह जब आपके पास कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है तो हाइब्रिडेशन या तो एस पी थ्री डी टू होता है या डी टू एस पी थ्री होता है ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल हेड्रल एसपी थ्री में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और डी एसपी टू में होती है स्क्वायर प्लेनर वो भी मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा आप सब समझ जाओगे बिल्कुल चिंता ना करें फटाफट से बस इन पॉइंट्स के लिए गो थ्रू हो लें आप इट इज यूजअली पॉसिबल टू प्रीडीट द जोमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ध्यान रखना वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बोलती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसको समझाती है ligands, occur, ligands, no तो जब आपके कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है पेयरिंग होती है लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कोई पेयरिंग नहीं होती है ठीक है कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा सारे पॉइंट समझाऊंगा अगर इनर ऑर्बिटल काम इनर एन मैनेजमेंट डी ऑर्बिटल काम में आते हैं हाइब्रिडेशन में तो हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बाहर वाले काम में आएंगे तो, तो उसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है देख लें अब मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल्स में सबको समझ में आ जाएगा आपको चलिए इसके अलावा आपको एक ऑर्डर याद रखना होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा एक आपको याद रखना पड़ता है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद क्या रखना होता है काम में आता है लिगेंड स्ट्रेंथ ऑर्डर ठीक है एनसीआर तो टी में आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है वो जनरली याद नहीं होता उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा नमोनिक है उससे आप याद रख सकते हो देखो ये होता है आई माइनस यहां से शुरू होते हैं बी आर माइनस एस सी एन माइनस सी एन माइनस सी एल माइनस सॉरी एस टू माइनस एन ओ थ्री माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस सी सी एच थ्री सी ओ टू माइनस सी टू ओ फोर टू माइनस एंड एच टू तो वाटर से पहले वाले सभी क्या होते हैं वीक फील्ड तो होते हैं इसको याद रखने का तरीका है देखो इसका याद रखने का तरीका है इतना बुरा था इतना बुरा ब्रोमाइड ये थायोसाइनेट था क्लोरीड ये क्लोराइड है तो उसके लिए कालू कालू यह सल्फाइड तो इसके लिए शामू और यह नाई फूले हाइड्रोक्साइड को बोला हाथ एसिटेट से ऐसे ऑक्सिलेट से उसके उसको so कंप्लीट करने के लिए हमने बोला पानी भरा हो जैसे क्या हो पानी भरा हो जैसे इस में आ गया आपको इतना बुरा था कालू शामू नाई फूले हाथ ऐसे उसके पानी भरा हो जैसे ये जो है ये इसको याद रखना निमोनिक है वैसे ऐसे आपको इतना याद रखना नहीं पड़ेगा आप देख के बता सकते हो वाटर से पहले वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं वीक फील्ड होते हैं तो बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा अभी यूज करते करते आपको पता लग जाएगा इसके बाद अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं एन सी एस आइसोथायोसाइनेट तो यह है नवीन चंद्र सक्सेना ऐसे याद रखना है इसको नवीन चंद्र सक्सेना इधर इधर इज फॉर ईडीटीए फोर, फोर माइनस इथलियन डायमेंट एट्रेसिटेट इसको हम बोलते हैं इधर अमन इज अमाइन और पिरिडिल है ना पिरिडिल पेरिडिल ग्रुप होता है पिरिडिल आपके मतलब सीबीसी के अंदर नहीं दिया था वो छोड़ सकते हो बट हामिक के लिए पूरा है तो अमन पाने के लिए यह है अमन पाने के लिए फिर आता था है थैलिन डाइमाइन इन दिनों नौ सेना कोर्ट के कैसे याद रखोगे नौ सेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है तो ये इसको याद रखने का निमोनिक है जिससे आप पता कर सकते हो तो बट बेसिकली आपको बताऊं आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड याद रख लो जो भी नाइट्रोजन डोनर्स होते हैं या कार्बन डोनर्स होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड एगेंट्स होते हैं देखो जो सबसे कॉमन जो आपको मिलेगा सीओ हो गया सी एन माइनस हो गया अमोनिया हो गया इथलिन डाइमाइन हो गया इनके ऊपर आप फोकस करें सबसे ज्यादा आपको ये चार ही मिलने वाले हैं तो ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड एगेंट्स हैं वाटर के बाद वाले सारे आपके क्या होते हैं वीक फील्ड डिगेंट्स होते हैं तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगेंट प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी <coughs> अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी तो ये चीज़ें सीखने के बाद अब देखो हम कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक नेचर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं तो ये शुरू करते हैं ठीक है शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं एक है सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस और एक है आपके पास CO एक है आपके पास सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स ठीक है एक सेकेंड <laughs> तो है सॉरी अगेन खैर तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स आप ध्यान से देखें यहां पर कोबाल्ट जो है वो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में है और यहां पर भी कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में ही है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है थ्री डी सेवन फोरेस्ट टू ना कॉन्फिग्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे बहुत काम आते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट थ्री डी सीरीज के स्कैंडियम टाइटेनियम टैटेम इस वाली सीरीज के ठीक है तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है थ्री डी सेवन फोरेस्ट टू आप देख सकते हो जब प्लस थ्री में आएगा कोबाल्ट प्लस थ्री में तो दो इलेक्ट्रॉन फोरेस्ट से और एक इलेक्ट्रॉन थ्री डी से जा चुका होगा जा चुका होगा तो मैं यहां कोबाल्ट के प्लस थ्री स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाऊंगा ऑर्बिटल्स की फॉर्म में तो देखो मेरे पास 3d ऑर्बिटल है 3d फिर मेरे पास 4s खाली पड़ा हुआ है अब क्योंकि आप आप फोर्थ शेल में आ चुके हो देखो 4s में आ चुके हो तो 4s के बाद यहां पर 4p भी प्रेजेंट होगा और 4p के अलावा 4d भी प्रेजेंट होगा तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 4p और 4d को भी यूज कर सकता हूं ठीक है सेम चीज यहां अगर आप इस वाले केस में कोबाल्ट +3 थ्री डी वो ही थ्री डी के अंदर थ्री डी के इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास थ्री डी में छह इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे दिख रहा है आपको फिर फोर एस फिर फोर पी और आगे जरूरत पड़ेगी तो फोर डी भी खाली पड़ा हुआ होगा ठीक है अब आप ध्यान से देखो लिगेंड पे सब कुछ डिपेंड करता है तो जो आपका F माइनस है F माइनस एफ माइनस एक वीक फील्ड लिगेंड है डब्ल्यू एफ एल बोलते हैं प्यार से और यहां देखो NH3 NH3 कैसा लिगेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है तो मैंने आपको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले लिखा हुआ भी था देखो आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए थे ये रहा कि आगे ये रहा कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑफ फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग डी इलेक्ट्रॉन्स अकर्स वेर एज इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड नो पेयरिंग विल अकर तो यहां देखें जब आप पास लिगेंड वीक फील्ड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो आप छह इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे भरोगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स लेकिन यहां लिगेंड कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड तो फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉंग्रॉन्स की पेरिंग तो करो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस इसका रीजन कुछ और होता है ऐसे भरने का वो हम अभी सी में सीख लेंगे बट हाल फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपको एक्सप्लेन करनी है तो आपको ऐसे ही करना है अगर लिगेन वीक फील्ड है तो आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करोगे अगर लिगन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आप इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हो पेयरिंग करते हो अब देखो छे कॉर्डिनेशन नंबर है इसका सिक्स तो छे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ छे खाली ऑर्बिटल चाहिए क्या चाहिए छे खाली ऑर्बिटल चाहिए सो so, आप सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एज एज कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ सीओ इज सिक्स सो इट विल जनरेट सिक्स वेकेंट वैसे आपको सिक्स ऐसे लिखना चाहिए यहां पर दोनों ही जगह हम्म, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बोर्ड के अंदर सिक्स ऐसे लिखें जनरेट विल जनरेट सिक्स वेकेंट ऑर्बिटल्स थ्रू हाइब्रिडाइजेशन ठीक है अब आप ध्यान से देखें ये वाला ऑर्बिटल तो भरे हुए हैं एक दो तीन चार चार ऑर्बिटल है आपको दो ऑर्बिटल और चाहिए चाहिए ना तो फोरपी के बाद यहां पर कौन प्रेजेंट होगा फोर डी कौन प्रेजेंट होगा फोर डी तो अब ये क्या करेगा फोर डी ऑर्बिटल्स को भी यूज करेगा तो देखे तीन चार और पांच तो ये फोर डी अब देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये छह ऑर्बिटल ये यूज करेगा और इन छह ऑर्बिटल्स को मिक्स करके ये कौन साइबेशन शो करेगा एक एस का है तीन पी के हैं और दो डी के हैं एस पी थ्री डी टू ठीक है तो यहां पर जो आपका कोबाल्ट होगा वो एस पी थ्री डी टू हाइब्रिड होगा तो अब आपका जो सी ओ प्लस थ्री है सी ओ प्लस थ्री है इस सी ओ प्लस थ्री के पास छ एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइज्ड वेकेंट ऑर्बिटल होंगे सिक्स एस पी थ्री डी टू और अब जो आपके एफ माइनस है ये F- जो है इसके अंदर अपने छह इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और इस तरह से आपके पास सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस फॉर्म होगा एस की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है आप हाइब्रिडेशन में जानते हो नहीं जानते हो ध्यान रख लें कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही आएगी तो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह की होगी कि एक ऐसा स्क्वायर प्लेन बनेगा एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे। ये इसकी जिमिट्री हो जाएगी दूसरा अब देखो यहां पर क्या है बताओ, आउटर देखो अगर इसको मैं एन बोल दू तो ये हो जाएगा एन माइनस वन ये एन माइनस वन डी है ये एन एस ऑर्बिटल है ये एन पी है और ये एन डी है तो क्योंकि इसमें बाहर वाला वेलेंशियल वाले डी ऑर्बिटल्स काम में आए हैं इसलिए ये क्या होगा तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सेंस सेंस आउटर डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स आर यूज इन हाइब्रिडाइजेशन सो द हाइब्रिडाइजेशन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी विल बी वॉट sp3d2 पी the complex will be complex will be बी outer orbital complex कैसा होगा ये आपका एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा चलो इधर आते हैं फिर और चीजें कंपेयर करेंगे इस तरफ अगर हम हा बात करें यहां पर तो यहां पर भी कोबाल्ट प्लस थ्री में होगा थ्री डी में पांच ऑर्बिटल्स हैं फिर आपके पास फोर एस है फिर फोर पी है और जरूरत पड़ी तो हम फोर डी को भी यूज कर सकते हैं अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सेंस अमोनिया एन एच थ्री इज अ स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सो अकर पेयरिंग विल अकर अब देखो छह इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करोगे अगेंस्ट रूल तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेयरिंग होती है अब आप पेरिंग कर लो तो देखो डी के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं छह इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे सबके सब, सब हैं अब आपको छह तो देखो ये रहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखो डी के दो एक एस एक पी तो हाइब्रेशन क्या हो जाएगा डी टू एस पी थ्री तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डी टू एस पी थ्री देखो ये अगर एन एस है तो ये आपके पास क्या है एन माइनस वन डी तो यहां पर आप सिंपली बोल सकते हो कि सिंस एन माइनस वन डी ऑर्बिटल्स आर यूज इन हाइब्रिडाइजेशन सो हाइब्रिडाइजेशन is d2sp3 and the complex is inner orbital complex ठीक है तो जब का कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा इनर ऑर्बिटल होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पर d2sp3 होगा बोलो बात समझ में आ रही है तो डिफरेंस समझो यहां आउटर ऑर्बिटल काम में आए थे इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था यहां इनर ऑर्बिटल काम में है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है अब एक और चीज पे आप फोकस करना ठीक <coughs> है ध्यान से देखना यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं क्या है सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जबकि यहां देखो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में है ठीक है तो एक आपके बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर और दूसरा आपके बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनपेड होंगे तो पेड है तो लो स्पिन बनेगा तो देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है देखो यहां इलेक्ट्रॉन्स पेड है ये आपका कैसा होगा लो स्पिन